तो कल हम उपदेशामृत के ऊपर चर्चा में पढ़ रहे थे कि कैसे एक उत्तम अधिकारी को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हुए अगर दैववत कुछ त्रुटियां उनके स्वभाव में या उनके शरीर में हैं तो उसके आधार पर उनको निम्न नहीं मानना चाहिए, उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तम अधिकारी दिव्य स्थिति में होने के कारण वो शरीर के जो त्रुटियां हैं या स्वभाव की त्रुटियां हैं वो वास्तव में उनका उनसे कोई लेन देन नहीं है। वो केवल भगवान के एक विशेष कोई हेतु के लिए वो त्रुटियां कुछ समय के लिए वहां हैं, इसलिए उसका अनदेखा करना चाहिए, उसको अनदेखा करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में रामगिधाई प्रभु ने एक आर्टिकल मेरे को दिया जो भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है वैष्णव निंदा के ऊपर। तो इसमें और भी बहुत सारे विषय वैष्णव निंदा के ऊपर के संबंधित चर्चा किए गए हैं, तो आज हम उस लेख को पढ़ेंगे और उससे चर्चा करेंगे आगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर पहले लिखते हैं कि वैष्णव निंदा के क्या दुष्परिणाम होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है, निंदम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवनाम महात्मनम पतंती पितृभि सर्धम महारौरव संगिते हन्ति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवम वैष्णवान नाभिनंदति क्रुध्यते यति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत। जो व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है वो महारौरव नामक नरक में अपने पितरों के साथ जाके गिरता है। जो भी एक वैष्णव को या तो मारता है, या तो उनकी निंदा करता है, या तो उनके प्रति द्वेष भाव रखता है, या उनको देखने पर उनका अभिनंदन नहीं करता है, या उन पर क्रोधित होता है, या उनको देखने पर उल्लासित नहीं होता है, तो वो इन छह प्रकार के दुराचार से के परिणाम से प्रभावित होता है। और श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, निंदम भागवत शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा ततो नपैति यः सोपि यति अधः सकृत् च अच्युतः। जो व्यक्ति जहाँ पर कहीं भगवान या उनके भक्तों का की निंदा हो रही हो उसको तुरंत नहीं छोड़ता है तो उससे उसके जितने भी आध्यात्मिक सुकृतियाँ उसने प्राप्त की हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं और उसका पतन होता है। तो ये हम बहुत बार सुने हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है ये वैष्णव निंदा को समझना, जिससे कि हम उसको नहीं करें। तो इस परिप्रेक्ष्य में भक्तिविनोद ठाकुर पहले बताते हैं कि किसे कहते हैं वैष्णव निंदा और किसे नहीं कहते हैं वैष्णव निंदा। तो इसके लिए सबसे पहले वैष्णव कौन है ये पहले बताते हैं, कौन वैष्णव है, कौन वैष्णव नहीं है। तो वो कहते हैं कि सभी जो जीव हैं वो चार प्रकार की के विभागों में विभाजित किए जा सकते हैं, एक सामान्य जीव, एक धार्मिक जीव, एक भक्त प्राय या वैष्णव प्राय और एक वैष्णव। ये मुख्य चार विभाग हैं। सामान्य जीव मतलब सभी पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली और जो पाप कर्म में रित हैं इत्यादि सभी उसके अंदर आ गए। फिर धार्मिक जीव जो धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, और भक्त प्राय और फिर भक्त। तो किसी भी जीव के प्रति
हिंसा द्वेष करना वो पाप कहलाता है। तो जब वैष्णव निंदा की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है वैष्णव जो है उनके प्रति हम निंदा नहीं करेंगे और बाकी जितने भी वैष्णव नहीं है उनके प्रति जो करना है करो, उससे कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वैष्णव अपराध एक विशिष्ट रूप से वैष्णवों के लिए उपयुक्त में आता है, वो शब्द अपराध। जो वैष्णव नहीं है उनके संदर्भ में जो हिंसा या द्वेष किया जाता है उसे पाप कहते हैं, अपराध नहीं कहते हैं, उसको पाप कहते हैं। जो वैष्णवों के संदर्भ में हिंसा द्वेष इत्यादि के कारण जो हम उनकी निंदा इत्यादि करते हैं उसे अपराध कहते हैं। जीव अपराध मतलब सेवा अपराध, जीव अपराध, नाम अपराध, वो जो चार प्रकार के अपराध हैं उसे कह रहे हैं। तो अगर मतलब कई बार कैटेगरीज का विभाजन का नाम अलग अलग प्रकार से हो सकता है टर्मिनोलॉजी, लेकिन जो उसका यहाँ पर जिस प्रकार से उसको समझाया है टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है, आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। लेकिन पाप जो है उससे हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर उससे फर्क पड़ता है, लेकिन अपराध विशेष रूप से हमारी आध्यात्मिक प्रगति पे उसका रुकावट होती है, उसको अपराध कहते हैं, जिससे पर्सनली कृष्णा असंतुष्ट हों। जब धर्म का उल्लंघन होता है तो उससे सामान्य रूप से उसके कर्मफल बनते हैं और उससे सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्रभावित होते हैं। लेकिन अपराध विशेष रूप से कहा जाता है जब जो जीव के इस भौतिक जगत से निकलने का जो मार्ग है उसमें जो अड़चन आती है उसको, वो अपराध के कारण आती है, वो अपराध का परिणाम है। हाँ, क्या चीज? नहीं, आध्यात्मिक प्रगति पाप से भी रुकावट है। ये शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, तो पाप जो है वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, लेकिन अपराध में पाप नहीं है तो भी अपराध लग सकता है, तो भी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट हो सकती है। आपने किसी वैष्णव के प्रति हिंसा की, धार्मिक नियमों से हिंसा मतलब वैष्णव के प्रति कोई निंदा की, किसी को आप वैष्णव को देख करके प्रसन्न नहीं हुए तो उससे कोई पाप नहीं लगा लेकिन अपराध जनित हो गया, अपराध जनित उससे जन्मा लेकिन पाप नहीं लगा आपको, उससे ऐसा नहीं कि आपको कोई बुरा कर्म फल लगेगा इन दैट सेंस। लेकिन अपराध सभी पाप जो है वो आध्यात्मिक प्रगति में इस तरह से रुकावट देते हैं क्योंकि वो ग्रॉस रूप में और अधिक भगवान से दूर लेके जाते हैं, लेकिन अपराध जो है वो और सूक्ष्म है और वो डायरेक्टली भगवान की अप्रसन्नता के कारण उत्पन्न होता है, जबकि पाप जो है वो धर्म के आधार पर धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण, मतलब वो जैसे फाउंडेशन है पाप करने से, आगे बिल्डिंग तो बनेगी नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन वो बिल्डिंग की फाइननेस है वो, अगर पाप नहीं हो रहा है तो भी अपराध हो रहा है तो भी प्रगति रुक जाएगी। और पापों का प्रायश्चित हो सकता है, अपराध का प्रायश्चित नहीं हो सकता है, ये मुख्य अंतर है। जो सामान्य कर्म विधान के अंदर जो प्रायश्चित हैं उससे पाप कट सकते हैं, लेकिन जो अपराध हैं वो उनका परित्राण प्रायश्चित से नहीं होता है, इसलिए उनको निकालना बहुत मुश्किल है जो अपराध की कैटेगरी में आता है। पाप से पुण्य तो नहीं कटेगा? हैं, पाप से पुण्य कटेगा ना, पुण्य भी कटेगा। यस, पाप से पुण्य कटेगा तो पाप का जो है वो प्रायश्चित किया जा सकता है, अपराधों का वो प्रायश्चित से नहीं जाते अपराध, वो तो वैष्णव जैसे आपने अपराध किया तो वैष्णव को माफ़ करेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उनका उनका जो ये है काउंटर एक्शन वो बहुत मुश्किल है, इसलिए वैष्णव अपराध के परिणाम से जो आध्यात्मिक प्रगति रुकती है उसको ओवरकम करना बहुत बहुत मुश्किल है। जो पाप है उसका तो आपने प्रायश्चित करके निदान कर दिया, उसका उपाय हो गया, लेकिन अपराध बहुत ज़्यादा मुश्किल है उससे निकल पाना। धृतराष्ट्र कृष्ण वो राजा भी बना
और अंदर भी पैदा हो, मतलब पाप और पुण्य तो दोनों का फल मिला। वो तो होता ही हमेशा, कुछ प्रकार के पाप और पुण्य दोनों प्रकार का फल भी होता है। कई बार पहले पाप खत्म, पहले पाप का फल भुगत के फिर कुछ पुण्य का फल मिलता है, दोनों साथ साथ भी चलते हैं, ये तो सब कॉम्बिनेशन है। ओके, तो जो सामान्य जीव हैं सभी, तो हृदय में उन सबका सम्मान होना चाहिए। जो अधिक धार्मिक है उनका और अधिक सम्मान होना चाहिए, और जो वैष्णव प्राय हैं उनका और अधिक गहरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन वैष्णव जो हैं उनकी तो सेवा होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए ये अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। तो सबसे पहले अभी तीन प्रकार के वैष्णवों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। तो कनिष्ठ वैष्णव की परिभाषा भागवतम में जो दी है वो ये है, अर्चयाम एव हरये पूजम यह श्रद्धा ये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। जो केवल, जैसे हमने कल देखा कि जो केवल अर्च विग्रह ये तो भगवान है, वहीं तक ही भगवान की उपस्थिति को समझ पाता है, उसके अन्यत्र भगवान की समझ उसकी नहीं है, संबंध ज्ञान नहीं है, संबंध ज्ञान से रहित है। तो जो भी उसकी श्रद्धा है वो लौकिक है, शास्त्रिक श्रद्धा के आधार पर वो अर्च विग्रह का सेवन नहीं कर रहा है, इसलिए संबंध ज्ञान नहीं है। ये स्पेसिफिक फीचर है कनिष्ठ अधिकारी होने का, कि उसकी जो है श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है, इसलिए उसको संबंध ज्ञान नहीं है। इसलिए वो भगवान कैसे सब जगह उपस्थित हैं, हम सब कैसे भगवान के दास हैं, हमारा क्या संबंध है भगवान, सब जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरा सब जीव का क्या संबंध है, ये सब चीज़ें वो नहीं जानता है। इसलिए बस वो केवल जानता है कि हाँ ये जो विग्रह है ये भगवान है, बाकी और किसी के प्रति प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको संबंध ज्ञान नहीं है। तो जब शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है तो वो कनिष्ठ अधिकारी है, उसको भक्त प्राय बोलते हैं। जो हमने चार कैटेगरी डिस्कस की उसमें से जो ये तीसरी कैटेगरी है वो भक्त वैष्णव प्राय है, वो एक्चुअली वैष्णव नहीं है। हालांकि कनिष्ठ वैष्णव उसको कह रहे हैं, कनिष्ठ वैष्णव वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव की का आभास है, भक्ताभास, वैष्णव आभास, परछाई है वो, उसको स्ट्रिक्ट सेंस में उसको वैष्णव नहीं कहा गया। वैष्णव निंदा के अंदर जो वैष्णव है उसमें वो नहीं आता है, इसलिए एक वैष्णव प्राय के प्रति वो अपराध, वो पाप जनित होगा उसके प्रति। जो वैष्णव निंदा शब्द जो है उसमें वो जो कनिष्ठ अधिकारी है वो उस वैष्णव की कैटेगरी में नहीं आता है, वो भक्त प्राय, वैष्णव प्राय है। जब शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब उसके आगे फिर वो मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी बनता है। फिर मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है उसमें, ईश्वरे तदधीनेशु बालिशेषु दुष्यस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी वैष्णव वो है जो शास्त्रीय श्रद्धा, जिसके श्रद्धा शास्त्र के आधार पर है भगवान में, और इसके आधार पर वो भगवान को, भगवान के भक्तों को इनोसेंट यानी कि बालिशेषु यानी कि जो निर्दोष और अज्ञानी लोग हैं उनको और द्वेषी जनों को, चार कैटेगरीज को देख पाता है और उसके अनुसार अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर पाता है, वो मध्यम अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से वो तो मध्यम अधिकारी ही वैष्णव की सही प्रकार से सेवा कर पाता है, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी तो समझता ही नहीं है वैष्णव और अवैष्णव में अंतर, इसलिए उनकी सेवा नहीं कर पाता है। ओके, फिर उत्तम अधिकारी, टॉप मोस्ट वैष्णव, तो वो हमने देखा सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावनात्मना, जो हर एक जीव में भगवान का दर्शन कर पाता है, हर चीज में भगवान का दर्शन कर पाता है।
वो टॉप मोस्ट वैष्णव है, और वो हर एक, वो भी हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा देखता है आंतरिक दृष्टि से, लेकिन उसका जो बाह्य प्रकटीकरण है, अगर भगवान की आदेश पर उसको प्रचार करने का कार्य है तो वो एक मध्यम अधिकारी के अनुसार बाह्य रूप से कार्य करेगा, हालांकि उसकी जो आंतरिक समझ है वो वैसी रहती है क्योंकि उत्तम अधिकारी है, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, भक्तिदानंद सरस्वती महाराज हैं, तो जो प्रचार कर रहे हैं तो गुरु पर स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि वो ये सब अंतर देख रहे हैं तभी तो प्रचार कर पाएंगे, लेकिन वो हैं उत्तम अधिकारी, इसका मतलब जो भी प्रचार करता है वो सब मध्यम अधिकारी ही होंगे, उसका ये अर्थ नहीं है। उनका संबंध ज्ञान उनका क्लियर है भगवान, एक्चुअली वो भगवान की भगवान को खोजने में है वो भी, लेकिन संबंध ज्ञान क्लियर नहीं उनको, इसलिए है ही नहीं वो संबंध ज्ञान है ही नहीं उनको, तो अभी ब्रह्मेति परमात्मेति यहीं तक ही है, अभी तो भगवान पता ही नहीं उनको, तो केवल शय नहीं आत्मा ये पता है लेकिन भगवान नहीं पता, इसलिए फिर रिलेशनशिप तो कहाँ से है, रिलेशनशिप तो पर्सन जब जानेंगे तभी तो रिलेशनशिप की बात आएगी। फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुसार तीन प्रकार के वैष्णवों का वर्गीकरण है, वो ये जो हमने भागवतम का जो वर्गीकरण देखा उससे कुछ मायनों में अलग है। जो भागवतम का वर्गीकरण अभी हमने देखा वो है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, अभी चैतन्य महाप्रभु जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो है वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। यस, अभी आएगा। वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम, मैंने बोला कुछ अलग है, मैंने नहीं बोला कि बिल्कुल अलग है। कनिष्ठ के लिए तो बताया कि वो वैष्णव प्राय है, हाँ, लेकिन मध्यम और उत्तम के लिए कुछ बताया नहीं। वो तो वैष्णव है ना, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव, वो वैष्णव की कैटेगरी में, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। तो मुख्य अंतर क्या हुआ, शास्त्रीय श्रद्धा न होने पर वो वैष्णव प्राय है, अगर भगवान का के अर्च विग्रह का सेवन कर रहा है तो भी, नाम ले रहा है तो भी। अभी अगर किसी भक्त में शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो, लौकिक श्रद्धा से आगे, लौकिक श्रद्धा की जगह शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उसके अंदर वैष्णव गुण आ गए। लेकिन अगर उसके अंदर मध्यम अधिकारी होने के लक्षण नहीं आए हैं तो उसको केवल वैष्णव कहेंगे। तो इस तरह से एक दोनों के बीच में एक कैटेगरी आ गई, कनिष्ठ यानी भक्त प्राय और मध्यम अधिकारी के बीच में एक और कैटेगरी आ गई, वो है वैष्णव, वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। वैष्णवतर, वैष्णवतम वो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन ये जो वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें, वो कनिष्ठ अधिकारी नहीं है, वो हैं वैष्णव, वो वैष्णव प्राय नहीं है, वो वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णवों के अंदर ही निम्नतम कोटि के वैष्णव हैं। तो उनका क्या उन्होंने परिभाषा दी है चैतन्य महाप्रभु ने, कौन है वैष्णव? अतएव यान्र मुख्य एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करिह तन्हार सम्मान। तो उन्होंने उनको परिभाषित कैसे किया कि जिसके मुख में एक कृष्ण नाम, हाँ, तो अभी वो नाम क्या है, वो है शुद्ध नाम, अभी शुद्ध नाम क्या है उसको भी समझना है। तो अतएव यान मुख्य एक कृष्ण नाम सही तो वैष्णव करी हो तनहार सम्मान। अभी ये जो वैष्णव नाम है, शुद्ध नाम, तो जैसे हम देखते हैं कि भक्ति को बताया ना, मिश्रित भक्ति और फिर उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति, तो उसकी परिभाषा क्या देखी थी हमने, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति, उत्तमा, वो उत्तमा भक्ति। तो उसी प्रकार से शुद्ध नाम, जहाँ पर ये श्लोक के अनुसार जो नाम लिया जाए वो शुद्ध नाम है, इस शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर जब नाम लिया जाए, एक बार भी जब कोई तैयार हो जाता है, एक बार लेने का मतलब अगर वो इस शास्त्रीय श्रद्धा में स्थापित है, तब जब वो भगवान का नाम लेता है
एक बार भी, निरंतर नहीं ले रहा है, निरंतर ले रहा है तो मध्यम अधिकारी है, लेकिन अगर कुछ बार भी ले रहा है तो फिर वो एक वैष्णव कहलाएगा। लेकिन उसकी अभी श्रद्धा शास्त्रीय हुई है, वो शुद्ध नाम, क्योंकि वो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, इस स्तर पर हो रहा है। हाँ, तो अनर्थ वाला है अभी, उसके अंदर अनर्थ भी हो सकते हैं, उसके अंदर अनर्थ भी हैं अभी, तभी तो बात आती है ना भक्तों के अंदर अनर्थ निवृत्ति की, भजन क्रिया के बाद में फिर अनर्थ निवृत्ति की बात है। ऐसा नहीं है कि वो अभी अनर्थों से पूरा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उत्तम अधिकार, उत्तम भक्त है, उत्तम भक्ति को संचालित करने वाला भक्त है। तो इस दृष्टि से वो शुद्ध नाम इस स्तर पर इस प्रकार से ले रहा है, तो ये वो परिभाषा है। एक बार तो ले गए या कई बार नहीं, मतलब इतना दृढ़ नहीं है उसका भजन, उसका जो हरि भजन है बहुत दृढ़ नहीं है, वो दृढ़ होने पर मध्यम अधिकारी बन जाता है, इंटेंसिटी अलग है। वैष्णव, तो वैष्णव, हाँ क्या नाम अपराध नामाभास, यहाँ पर जो उसकी संज्ञा है वो जो शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर जो नाम ले रहा है, जो संबंध ज्ञान को समझते हुए जो नाम ले रहा है, अपराध युक्त नहीं है, लेकिन हाँ अपराधों से, हाँ अनर्थों की वजह से वो शुद्ध नाम नहीं ले पा रहा है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी ऐसे नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है नाम के प्रति कि शिव जी और भगवान एक हैं। फॉर एग्जाम्पल शास्त्रीय उसका समझ जो है वो क्लियर है, और उसका हेतु कृष्ण को प्रसन्न करना है, उसके नाम लेने का हेतु कृष्ण को प्रसन्न करना है, अन्याभिलाषिता नहीं है, किसी और वजह से नाम ले रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर उसको वो इस कैटेगरी में शुद्ध नाम है, क्योंकि वो अन्य किसी अन्याभिलाषिता शून्य उस प्रकार से। फिर वैष्णवतर की परिभाषा है, कृष्ण नाम निरंतर अनहार वदने सही से वैष्णवतर भजतनहार चरणे, जो कृष्ण नाम निरंतर जिसके मुख में है वो वैष्णवतर है। तो ये मध्यम अधिकारी जो बहुत स्ट्रांगली इंटेंसली फिक्स्ड है भजन में, भजन क्रिया के अंदर, वो मध्यम अधिकारी या वैष्णवतर है। फिर वैष्णवतम कौन है, यनहार दर्शने मुख्य ऐशे कृष्ण नाम तनहारे जनिह तुमी वैष्णव प्रधान, जिसको देख करके अन्य लोग कृष्ण नाम लेने लगे वो उत्तम अधिकारी या वैष्णवतर है। तो वैष्णव कौन है, जो कम से कम एक बार भी, अब ऐसा नहीं कि एक ही बार लेकर चुप हो जाएगा, मतलब कम से कम यदि एक बार भी उसने लिया तो भी वो वैष्णव कहलाएगा। कब तक, जब तक वो निरंतर बहुत ही दृढ़वत रूप से भक्ति के अंगों को करने के लिए में नहीं है रत, तब तक वो वैष्णव कहलाएगा। जब बहुत दृढ़ता से भक्ति के अंगों को संपन्न कर रहा है तो वैष्णवतर है, और जब उसका इतना प्रभाव है कि उसको देख करके अन्य लोग कृष्ण नाम लेना शुरू कर दें तो फिर वो वैष्णवतम है। क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। मतलब इस संदर्भ में नामाभास, मतलब जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ में ले रहा है नाम, किस तरह से इसको, विकार प्रकट होते हैं वो वाला नाम, एक नाम मतलब वो वाला एक नाम जिसमें सभी विकार उत्पन्न होते, तो फिर वो वैष्णव कैसे कहलाएगा, वो तो बहुत बड़ा विष्णु हो गया। तो वही तो बात है, नहीं नहीं इसलिए ये पॉइंट उठाता कि नहीं 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 ये बताया यहाँ पर ना, जो उत्तम भक्ति जो करना है जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा है वो जिसको एक बार कृष्ण नाम लेते ही सब षड विकार अष्ट विकार उत्पन्न हो गए,
वही एक बार ना, यार मुख्य एक कृष्ण नाम, करेक्ट। तो एक बार कृष्ण नाम लेकर के जिसके अष्ट विकार उत्पन्न हो गए, शुद्ध नाम। अरे हाँ भाई, उसको तो शुद्ध नाम कहेंगे। वो आप कह रहे हो शुद्ध नाम की परिभाषा वो है जिस नाम को लेकर के अष्ट विकार उत्पन्न हो। लेकिन उसके अंदर वो फिर नहीं होगा नाम अपराध नाम आभास। तो वो बात नहीं कर रहे हो कि उसके अंदर ना, अभी जो शुद्ध नाम है तो उसके अंदर नाम आभास नाम अपराध कैसे होगा। लेकिन जो नाम एक नाम की बात हो रही है उसमें, लेकिन अभी यही तो बात है ना कि अगर आप उसको ऐसा समझ रहे हैं कि वो शुद्ध नाम वो है जिसको एक बार नाम लेने से अष्ट विकार, मतलब कि भावी स्टेज में है, करेक्ट। तो फिर वो वैष्णवतर और वैष्णवतर और वैष्णवतम से नीचे है, वो वैष्णव है। और फिर जिसको जो दूसरा तो मध्यम अधिकारी कंटिन्यूस शुद्ध नाम लेता है, तो मतलब मध्यम अधिकारी फिर कहाँ गया? वो उसके नीचे वाले सारे कहाँ गए? मध्यम अधिकारी कहाँ गया जिसको भाव स्टेज से नीचे है, जो अभी भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति वो वाले लोग कहाँ गए फिर? अगर वो वैष्णव ही भाव स्टेज वाले को इंगित कर रहा है तो उसके नीचे वाले स्टेज वाले वैष्णव कहाँ गए फिर? तो यहाँ पर वो बताया है शुद्ध नाम की परिभाषा। एक मिनट, देखिए द डिफरेंस बिटवीन श्री नाम एंड नामाभास, क्या अंतर है नाम और नामाभास? नाम मतलब यही शुद्ध एक नाम जो भी है। द डिफरेंस बिटवीन नाम एंड नामाभास इज नॉट द टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंट डेलिब्रेशन, दिस शैल बी डिस्कस स्पेसिफिकली एट अनदर टाइम। हियर इन दिस मच कैन बी सेड, व्हेन कृष्ण नाम इज चैंटेड विद शास्त्रीय श्रद्धा, व्हेन कृष्ण नाम इज चैंटेड विद शास्त्रीय श्रद्धा, फेथ इन स्क्रिप्चर, दैट इज विद अनअलॉयड सरेंडर, देन इट इज नाम। When Nama is chanted with desires unrelated to making Krishna happy, ब्रैकेट में अन्याभिलाषिता, जब कृष्ण का नाम भगवान को प्रसन्न करने की जगह किसी अन्य हेतु से लिया जा रहा है, और when it is eclipsed by ज्ञान, dry impersonal knowledge, कर्मा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और वैराग्य एंड सो फोर्थ, इट इज़ नामाभास। तो यहाँ पर जो परिभाषा शुद्ध नाम की है, नाम एक कृष्ण नाम, वो नाम कौन सा है? जब शास्त्रीय श्रद्धा यानी अन्याभिलाषिता शून्यम के स्तर पर जब वो लिया जा रहा है तब तो वो नाम कहलाता है, अन्यथा वो नामाभास कहलाता है। नाम मतलब शुद्ध नाम। यहाँ पर जो ये जो इस डेफिनेशन में जो है ना, एक कृष्ण नाम यान्र मुख्य एक कृष्ण नाम, तो वो कृष्ण नाम की यहाँ बता रही है, उसकी डेफिनेशन क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर। अब उसके अंदर भी फिर वो विभाग हैं, भाव स्तर पे जो नाम ले रहा है, लेकिन जिसके अंदर भी शास्त्रीय श्रद्धा है उसको कहेंगे वो नाम ले रहा है। यहाँ से तो यही क्लियरली उठ के आ रहा है, जो अन्याभिलाषिता स्तर पे ले रहा है। अभी अन्याभिलाषिता वाले में तो वैदिक भक्त भी आते हैं ना, करेक्ट। उत्तम भक्ति के अंदर ही तो आते हैं सारे, वैदिक भक्त रागानुगा भक्त सभी, और वैदिक भक्त और उसी सब स्टेज में अनर्थ निवृत्ति भी आती है। तो ऐसा नहीं कि ये उनकी बात हो रही जिनके अंदर सब अनर्थ है ही नहीं किसी के अंदर। तो यानी कि ये नाम एक कृष्ण नाम मतलब जो शास्त्रीय श्रद्धा से जो नाम ले रहा है वो कृष्ण नाम है। तो अजामिली ने नाम दिया, हाँ अपराध नहीं है, हाँ, लेकिन वो ये नाम नहीं है, वो ये ना ये एक कृष्ण नाम नहीं है वो, क्योंकि वो उसने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं पुकारा, वो तो उसने अपने पुत्र के लिए पुकारा। हाँ, क्योंकि वो तो हाँ, तो वो तो मतलब नाम छोड़िए, जो नामाभास है उससे भी ये फर्क हो जाता है, उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये नाम से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, इस नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होने में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुक्ति तक नामाभास से प्राप्त हो जाती है। लिबरेशन मुक्ति, इसलिए उसको वो नहीं पकड़ पाए ना वो यमदूत। अजामिल जब पहले थे तो शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर नहीं ले रहे थे, हाँ कनिष्ठ, लेकिन फिर बाद में फिर वो भजन किए, मतलब वो फिर मध्यम अधिकारी और फिर आगे उत्तम अधिकारी और फिर तो भगवत धाम गए। तो ये हायरार्की ऐसे होगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ के बाद वैष्णव,
यस और फिर अभी आगे हम बढ़ रहे हैं जब भी और आगे हम यहाँ पर हरिनाम में श्रद्धा के अनुसार कैटेगरी चाहिए महाप्रभु पर हरिनाम के हिसाब से मतलब बताए ना वो एक कृष्ण नाम हम हरिनाम के श्रद्धा के हिसाब से नहीं के देखिए अलग अलग कैटेगराइजेशन में अलग अलग उस पर आधार पे किया है। ये जो कैटेगराइजेशन है जो एक बार कृष्ण नाम ले रहा है जो निरंतर कृष्ण नाम ले रहा है जिसको देख करके बाई कृष्ण नाम ले रहे हैं वो इस आधार पे। अब ये जो कृष्ण नाम है ये क्या है ये शास्त्रीय श्रद्धा वाला कृष्ण नाम लौकिक श्रद्धा वाला नहीं। हाँ वो भी एक में श्रद्धा का अगर कोई दूसरे कैटेगरी हाँ जैसे आप मेडिकल में जाएंगे तो कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए 5 प्रकार के कैटेगराइजेशन है इस तरह से क्लासिफाई ऐसे करेगा और वो सब क्लासिफिकेशन में आपस में ओवरलैपिंग होता है वो अलग अलग हो सकता है वो तो ऐसे दैट इज़ वेरी कॉमन। कोई भी चीज़ को हम अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस बेस्ड ऑन दैट और उसमें आपस में कुछ समानताएँ होंगी कुछ विभिन्नताएँ होंगी ऐसा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली नाम आभास और नाम ये दो चीज़ बताई हैं कि जो शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर है वो नाम है कृष्ण नाम और जो शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर नहीं है वो नाम आभास है। ओके अभी हाँ ये हो गया नाम आभास अभी जो जनरल वो समझ है जो नाम का जैसे आभास होता है नॉट एग्जैक्टली नाम शुद्ध नाम जैसे उसका कुछ आभास है वो कैसे वो क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन इस क्लासिफिकेशन में क्या संबंध है ये पूछ रहे हैं आप। उसका जो क्लासिफिकेशन है शुद्ध नाम नाम आभास नाम अपराध मतलब उसमें क्या है कि नाम से जैसे नाम आभास मतलब तो एक ऊपर का स्तर नाम अपराध से वो थोड़ा सा गहराई से विचार करना पड़ेगा अभी उसको छोड़ दीजिए आगे चलते हैं। फिलहाल हमारे डिस्कशन के लिए सफिशिएंट है समझना कि यहाँ पर जो बात हो रही है जो लौकिक श्रद्धा के आधार पर जो भी नाम है वो नाम नहीं है श्री नाम जो उस परिभाषा में एक कृष्ण नाम जो बात हुई है वैष्णव की वो उसमें नहीं है वो उसके बाहर है। एक वैष्णव जो नाम लेता है श्री नाम नामाभास नहीं जो नाम लेता है उसके अंदर सभी अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं और वो पापों से रहित होता है और उसका पाप और पुण्य करने के पीछे भी कोई हेतु नहीं होता है करेक्ट क्योंकि शास्त्रीय श्रद्धा है तो वो भगवान का नाम कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं करेगा और पाप करने की वृत्ति उसके अंदर नहीं है यानी कि अनर्थ हो सकते हैं उसके अंदर अनर्थों की वजह से इस प्रकार से पाप में वृत्तियां हैं लेकिन पाप वृत्ति यहाँ पर मतलब जिसका उद्देश्य जीवन का वो पाप करना है जिसको वो कि ये गलत है मुझे नहीं करना है और इस तरह से नहीं है वो पूरा उसमें घुसा हुआ है पाप वृत्ति में लेकिन अनर्थ हो सकते हैं उस भक्त के अंदर उत्तम अधिकारी उत्तम भक्ति को करने वाले व्यक्ति के अंदर अनर्थ हो सकते हैं लेकिन वो उसका हेतु नहीं है या वो उसका प्राइमरी लाइफ का ये नहीं कि वो उसे कुछ अंतर नहीं पता है और वो कल्टीवेट कर रहा है उसको और बढ़ावा दे रहा है उनको इस प्रकार से नहीं है। अनर्थों के कारण वो अपीचे शूद्राचारों भी हो सकता है करेक्ट अपीचे शूद्राचार बहुत बड़ा पाप भी कर सकता है लेकिन कैसे दैववत या तो अपने पूर्व पाप में वृत्ति के रेमनेंट्स के कारण लेकिन यहाँ उसका ऐसा नहीं कि वो उसका जीवन ही पाप से रथ है वो तो उसका लक्ष्य हेतु ही है पाप करना मतलब इस तरह समझ रहे हैं ना इसका अर्थ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी तो हम कभी सोचते हैं वैष्णव मतलब भक्त मतलब फिर उसका अनर्थ होने नहीं चाहिए उसके अंदर काम क्रोध लोभ में कैसे होगा उसके अंदर लेकिन ये संभव है क्योंकि वो एक स्टेज है जिसमें कि उसके अंदर अभी वो प्रयासरत है इसलिए वो चीज़ें बाकी हैं। ओके अभी जो धूर्त लोग हैं वो तीन प्रकार से वैष्णवों के अंदर दोष देखते हैं
वैष्णव निंदा जो करते हैं वो तीन प्रकार से वैष्णवों के अंदर निंदा करते हैं, उनके फॉल्ट देखते हैं। कैसे कैसे देखते हैं? पहला, जो उनके भक्ति में आने से पहले, शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले उनके जीवन में जो दोष थे उसके आधार पर वो दोष देखते हैं। भक्त के, भक्त बनने से पहले के जीवन में जो अवगुण थे, दोष थे, उसके आधार पर उसकी निंदा करना। अरे हम जानते हैं ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, उसके आधार पर उसकी भर्त्सना करना, निंदा करना। भक्त बनने से पहले, पहले कोई मान लीजिए चोर था, अरे ये तो चोर, ये क्या करे, चोर है। भक्त कर, भक्ति में आने से पहले जो उसके दोष थे उस आधार पर किसी की निंदा करना, वो पहला प्रकार है वैष्णव अपराध करने का। दूसरा क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इन विच एनी अनटूवर्ड प्रोपेंसिटीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड विद इन द वैष्णवज हार्ट, विकेड पीपल टेक द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज हिम फॉर एनी फॉल्ट दैट मे स्टिल रिमेन इन हिम। दूसरा, जब तक वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो गया है, प्रयासरत है, उस बीच में जो बाकी अनर्थ रह गए हैं उसको पकड़ करके उसकी निंदा करना, वो दूसरे प्रकार है जिससे कि वैष्णव निंदा लोग करते हैं। और तीसरा प्रकार क्या है कि कोई एग्जॉल्टेड वैष्णव है, उत्तम अधिकारी, महान वैष्णव है, जिसका कभी भी गलत आचार करने के प्रति कोई रुझान है ही नहीं, लेकिन कभी कभी दैववत कुछ ऐसी त्रुटियां अचानक उसके चरित्र में देखते हैं, उसको लेकर के उसकी निंदा करना, जो हमने कल देखा गंगा अम्बसाम, वो जो बात हुई थी कि जैसे गंगा में गंदगी देखना, कि वो महान भक्त है, सब दिख रहे हैं उसके सब महानता के लक्षण, लेकिन कभी कभार कोई दैववत कुछ त्रुटि अगर हो जाए तो उसको देख करके फिर उसकी निंदा करना। तो ये तीन प्रकार से वैष्णव निंदा होती है। जो दूसरा है कि अभी अनर्थ बाकी हैं उसके, मतलब वो उच्च अवस्था में नहीं पहुंचा है, प्रयासरत है, लेकिन अनर्थ बाकी हैं उसके। एक है उच्च अवस्था में पहुंच गया पर कोई भगवान का विशेष आयोजन, भगवान की कुछ विशेष इच्छा से कोई वो अनर्थ जो है वो कभी कभाक उत्पन्न हो जाता है, लाइक दैट, उसको पकड़ करके निंदा करना। तो ये वो हो गई परिभाषा खत्म, हाँ हो गई ना, जो निरंतर नाम लेता है और जिसको देख करके लोग वैष्णव भगवान का नाम लेते हैं वो वैष्णवतम। तो किसी के पहले के भक्ति में जीवन में आने से पहले के दोषों को देख करके उसकी भर्त्सना करना, ये महान अपराध है। और फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं ये सब, उससे पीछे शूद्राचारों श्लोक आ गया और ये सब श्लोक आ गए उसमें, और जो कल का हमने श्लोक देखा वो भी इसमें आ गया। ओके, तो अगर The underlying principle is that wrongly blaming and criticizing a Vaishnava for any of the faults just mentioned, इन तीनों में से किसी प्रकार से criticize करना वैष्णव को, wrongly blame करना, वो नाम अपराध के category में आता है ना, वैष्णव अपराध नाम अपराध के category में आता है। और ये नाम अपराध करने से भगवान नाम को लेने की स्फूर्ति नहीं आएगी और वैष्णव हम लोग आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। अभी एक अलग पॉइंट है, क्या अन्य जो जो वैष्णव हैं, क्या उनके जो दोष हैं उस पर बिना अपराध किए उन दोषों के ऊपर विचार या उसको इंगित किया जा सकता है या नहीं? क्या किसी वैष्णव के दोषों को दोष अपराध किए बिना इंगित या विचार
हो सकता है, ये संभव है या नहीं। तो इस विषय में भक्तिवेन ठाकुर कह रहे हैं कि एक प्रश्न पूछा सकता है, वुड इट बी अप्रोप्रिएट टू डेलिबरेट ऑन ए फॉल्ट फाउंड इन ए वैष्णव दैट इज नॉट काउंटेड अमंग दीज थ्री टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। तो पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई वैष्णव की इन तीन कैटेगरी के अलावा कोई और दोष के कारण अगर उसको वो दोष निकाला जाए नहीं बस ओके, तो क्या वो वैष्णव अपराध कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ये पहला प्रश्न है कि जो तीन इट्स ओके जो तीन प्रकार के हमने तरीके देखे ना वैष्णव अपराध करने के, या तो उनके भक्ति में आने के जीवन के पहले के दोष या रेमनेंट्स या दैवात, उन तीनों के अलावा यदि कोई दोष को पकड़ करके किसी वैष्णव की निंदा की जाए तो क्या वो अपराध कहलाएगा कि नहीं। तो भक्तिवेन ठाकुर कह रहे हैं कि इन तीन प्रकार के दोष के अलावा वैष्णव में कोई दोष हो ही नहीं सकता, यदि इन तीन दोष के अलावा कोई दोष है तो वैष्णव नहीं है। तीन ही प्रकार की चीज़ें संभव हैं, या तो भक्ति के जीवन में आने से पहले के दोष, भक्ति कर रहे हैं दोष सब खत्म हो रहे हैं लेकिन कुछ बचे हुए हैं बस, या प्रोविडेंस है नहीं, सहजिया की तरह नहीं कि पाप कर रहे हैं और सब कर रहे हैं बोले हम भक्त हैं, वो फिर भक्त नहीं कहलाएगा फिर। तो भक्त में इन तीन के अलावा तो अगर अपराध, अगर कोई और इन तीनों कैटेगरी के अलावा यदि कोई फॉल्ट है तो वो वैष्णव नहीं है, ठीक है। फिर एक और चीज़ महत्वपूर्ण इसमें आगे फिर क्या कहते हैं कि अगर वैष्णव के अंदर जो ये तीन कैटेगरी के अंदर जो दोष हैं उसको यदि हम डिस्कस कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं एक वर्चुअस मोटिव से, एक सही हेतु से, एक एक अच्छे हेतु से, तो फिर ये नाम अपराध या वैष्णव अपराध नहीं गिना जाएगा। अगर उस सही हेतु के बिना हम केवल इम्पार्शली डिस्कस कर रहे हैं, बस डिस्कस करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं इम्पार्शली, तो भी वो वैष्णव अपराध गिना जाएगा, अगर वो सही मोटिव नहीं है तो। अभी सही मोटिव क्या है फिर उसको बता रहे हैं, क्या क्या है सही मोटिव। यानी ऐसे भी किसी का वैष्णव का अपराध को डिस्कस नहीं कर सकते, वैष्णव अपराध नहीं, वैष्णव दोष को डिस्कस नहीं कर सकते बिना इन सही कारणों के। अगर सही कारण के बिना आपने डिस्कस किया तो भी वो वैष्णव अपराध गिना जाएगा। इसलिए वो भक्तिवेन ठाकुर कह रहे हैं ये तो किसी भी जीव का ऐसे दोष के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए बिना सही मोटिव के, तो वो सब वो गलत हो जाता है। तो अभी क्या है प्रॉपर मोटिव, क्या सही मोटिव हो सकता है, किस कंडीशन में वैष्णवों के जो दोष हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सही मोटिव क्या है उसकी चर्चा। वो तीन प्रकार के सही मोटिव हैं, सही कारण जिससे वैष्णवों के अंदर जो दोष हैं उसके पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, अगर हेतु है उस वैष्णव या कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर अभी सबके लिए बात हो रही है क्योंकि सभी के लिए ये समान रूप से काम होता है, किसी व्यक्ति के पाप या उसके अनर्थ उससे उसको छुटकारा दिलाने के लिए, यानी उस व्यक्ति के हेतु के लिए डिस्कस करना विचार करना वो सही मोटिव गिना जाएगा उस व्यक्ति के हित के लिए। दूसरा, अन्यों के हित के लिए, संसार के हित के लिए, जैसे हमने उस श्लोक भी पढ़ा था कि जैसे आचार्य या कोई भी तो किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए गलत क्या है वो बताते हैं और गलत को स्थापित करने के लिए उदाहरण भी देते हैं, देखो रावण ने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, जगाए मधाई ये सब, तो वो जो वर्णन है वो किस लिए किया जा रहा है, उसका हेतु क्या है, जन कल्याण, सबके लिए, सबको शिक्षा देने के लिए, इसलिए फिर वो वैष्णव अपराध नहीं गिना जाएगा। या वो उस भक्त को के वेलफेयर, उसका हित की इच्छा से यदि वो दोष को हम विचार कर रहे हैं तो फिर वो अपराध नहीं गिना जाएगा। या एक मिनट लेट मी कंप्लीट, या अपने हित के लिए यदि हम किसी वैष्णव के दोष के ऊपर विचार कर रहे हैं, जैसे हम कई बार करते हैं ये अच्छा नहीं है जैसे कि मैं इसको नहीं करूं, हम ये क्यों विचार कर रहे हैं कि ये सही है गलत है, जानने के लिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ये गलत है मुझे ऐसा नहीं करना है, तो अपने हित के लिए
या उस व्यक्ति के हित के लिए या अन्यों के हित के लिए, ये तीन मोटिव हैं, सही कारण हैं जिससे कि वो फिर वैष्णव अपराध नहीं गिना जाएगा। आप क्या बोल रहे थे? अधिकार का भी आएगा ना, अधिकार मतलब जब हाँ ये फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन्स बेनिफिट व्हेन वी वुड डिस्कस यस अबाउट दैट पर्टिकुलर यस वैष्णव दोष यस अधिकार अगर होगा तो ही हम बात करेंगे। यस यस, तो अभी मैं इसको आने वाला था इस विषय के ऊपर। तो इस प्रकार से ये एक विवरण हुआ कि कब वैष्णव अपराध गिना जाता है, कब नहीं गिना जाता है। अब इसके अंदर एक और, अभी आपने प्रश्न उठाए तो अभी इसके अंदर और एक विचार करने योग्य है, एटिकेट्स यानी कि ये तीनों मोटिव होने पर भी सदाचार या उसको एक और शब्द क्या है इसका, मर्यादा, क्या मर्यादा किसकी है उसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए, है ना। तो जैसे मर्यादा का पालन करने के लिए, इसलिए जैसे एक जगह भक्तिवान सरस्वती महाराज बोलते हैं कि एक अपने शिष्य को कि आप उनमें इस प्रकार से उनकी गलतियां जो निकाल रहे हैं ये इतना कठिन और अनप्लेजेंट काम है गलतियां निकालना, ये आपने क्यों अपने ऊपर ले लिया है, ये गुरु का कार्य है, इसको गुरु को करने दो, आप क्यों इसको अपने ऊपर ले रहे हैं। अभी गुरु का काम तो है ही शिष्यों की गलतियां निकालना, किसके लिए, उनके भले के लिए। तो इस प्रकार से वैष्णव अपराध नहीं है लेकिन उन दोषों को इंगित करने के लिए फिर अलग अलग मर्यादाएं हैं, किसको वो निकालना है किसको नहीं निकालना है, नहीं तो वैष्णव समाज में अफला तफली मच जाएगी। तो इसीलिए एक सिस्टम होता है, हायरार्की होती है, किसका कार्य है सही करना, ट्रेनिंग देना किसका कार्य है, है ना। तो गुरु है तो गुरु का कार्य है। अभी सब गॉड ब्रदर्स आपस में एक दूसरे का करेंगे हाँ, या कोई भी एक जगह पर सब आपस में बिना उस अधिकार के बिना उस कार्य करेंगे तो उससे वो मर्यादा उल्लंघन होकर के सब एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा और समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो ये एटिकेट की बात है, मर्यादा की बात है, या छोटा बड़े की बात है हाँ। तो सामाजिक दृष्टि से वरिष्ठ अगर कोई हैं या अन्य अन्य प्रकार से वरिष्ठ है तो फिर उनका उनकी गलती को इंगित करना। फिर एक और बात, गलती है कि नहीं है इस बात को पहले तो क्लियरली समझना, बिना गलती होने पर गलती समझ लेना और उसको बोलना तो वो भी फिर गलत हो जाएगा और वो वैष्णव अपराध भी बन जाएगा। तो ये सब बातें भी ध्यान रखने वाली हैं कि अगर पहले तो ये एसर्टेन करना पड़ेगा ना कि वास्तव में जो ये है ये गलती है या नहीं है, केवल फ्रीली एकदम से आप सोचे हाँ ये गलती है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं हमारे आपस के संबंधों में ज़्यादा समस्या ये एटिकेट्स की वजह से ज़्यादा होती है, मर्यादा की वजह से ज़्यादा होती है, और वो भी होती है बिना प्रॉपर मोटिव, वो भी है यानी वास्तव में जो वैष्णव अपराध जिसको बोलते हैं, मोटिव नहीं है हमारा वो। तो जब भी हम कोई वैष्णव हम कोई दोष देख रहे हैं वैष्णव में तो ये हमें ध्यान रखना ये तीनों में से किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, क्या ये मैं मेरे हृदय में मंशा क्या है, उस व्यक्ति का भला करना है, मेरा भला करना है या अन्यों का भला करना है, इससे किसको लाभ होने वाला है, और क्या ये मेरा अधिकार है, क्या ये मेरी मर्यादा के अंदर आता है या नहीं, क्या वास्तव में ये दोष है या नहीं, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, तब हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं और मर्यादा उल्लंघन से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। लगता है एक क्लास तो क्वेश्चन आंसर में जाएगी अभी। अभी भक्त जन में सभी भक्त हैं वो भी भगवान के प्रति कुछ प्रकार का विमुख क्षेत्र सा तो सभी मतलब अभक्त भी हैं भक्त भी हैं कुछ लेवल का अनर्थ है उनके अंदर हाँ? अनर्थ है उनके अंदर अभी पूर्ण क्षेत्र सा नहीं है भगवान के प्रति कोई मतलब अनर्थ है हाँ। मतलब उनकी शास्त्रीय श्रद्धा है हाँ। इसके आधार पर वो भजन करना प्रारंभ किए हैं लेकिन अनर्थ है उनके अंदर भी। तो सभी जो भक्त है उनके श्रद्धा के अनुसार उनके भक्ति के साधना के अनुसार कुछ तो
कंपैशन हर एक में तो होगा दूसरे के प्रति जो सही नहीं कर पाता, जैसा जो फुल टाइम जो भगवान के भक्त बनने का प्रयास जो करेगा उसको तो अभी जो शहर में बहुत सारे भक्त हैं उनके प्रति तो कुछ स्वाभाविक रूप से कंपैशन तो आएगा। तो ऐसे ही भक्तों में भी जो फुल टाइम बन गए तो कुछ लोग कुछ ही किसी चीज़ में बहुत उन्नत होंगे साधना के स्तर में और कुछ ही चीज़ में कम होंगे, जिसमें उन्नत है वो जिसमें नहीं है उसके ऊपर भी कंपैशन हो जाता है। ये मतलब इतना लेवल तक आने के बाद भी वो जो कंपैशन की वजह से मूर्ख भी समझ सकता है अभी भी इतना होने के बाद भी, तो मेरे बारे में कोई सोच सकता है ऐसा कि इतना करने के बाद भी अभी भी मूर्ख है इतना भी अभी, तो वो जो सोचना वो अपराध गिना जाएगा नहीं जाएगा। किस हेतु से आप कर रहे हैं वो? क्योंकि भगवान का सेवा जिस प्रकार से शास्त्र के अनुसार करना चाहिए जिस तरीके से उतना नहीं करने से स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में होगा कि ये तो ये और आगे सो करना चाहिए, क्यों यहाँ रुका हुआ है? रुका। तो आपके उसमें हेतु क्या है? जिसके बारे में मूर्ख मैं सोच रहा हूँ या मेरे बारे में सोच रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी चीज में उन्नत हो सकता हूँ उससे, मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से मैं जिसमें मैं अच्छा कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ उसका वो मूर्ख है, मैं जो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ वो दूसरे सोचे का मूर्ख है। इस मतलब इस प्रकार तो दोनों चीजें हमें दिखनी चाहिए, जिसमें वो अच्छा है वो भी अप्रिशिएशन होना चाहिए, नहीं तो वो ओवर क्रिटिकल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हम सही, अगर हमारे अंदर मंशा हमारी सही है इंटेंशन सही है तो सही चीज़ भी दिखेंगी ना, ये बहुत अच्छा गुण है उनके अंदर। लेकिन ये एक चीज़ है जो उनको रोके हुए है। तो अगर आप उस फिर चेतना अगर आपकी सही है और दोनों चीज़ आप देख पा रहे हैं तो फिर वो वैष्णव अपराध नहीं गिना जाएगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो मोटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिव क्या है हमारा। और फिर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एटिकेट, उसकी मर्यादा उसका करने का तरीका। जैसे टेंपल के अंदर देखें हम मंदिर के परिपेक्ष में, तो एक टेंपल में एक अथॉरिटी दी गई है, आपको ध्यान रखना है कि सब भक्त क्या कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी किसी एक को दी गई है ना। सबको तो प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो जिनको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी है तो उनको फिर ध्यान रखना है कि उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए जो भी आवश्यक है प्रशिक्षित करने के लिए उनको वो करना चाहिए। प्रशिक्षण के अंदर उनके दोषों को इंगित करना भी आएगा, तभी तो प्रशिक्षण होगा। लेकिन यदि जो भक्तों का ये जिम्मेदारी नहीं है वो ऐसी उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लें बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, तो फिर ये एक प्रकार का मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा। एक्सेप्ट किया अगर कोई ऐसी कोई मान लीजिए कोई किसी खून करने जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर हम उसमें नहीं देख सकते कि अरे तो मेरा ऑथराइजेशन नहीं है मुझे नहीं करना चाहिए। बट अदरवाइज जो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अगर आपका ऑथराइजेशन नहीं है या तो आपका उससे इस प्रकार का मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है जिसमें कि वो आप उसको मित्रवत उसको आप हेल्प करें, उसने वो आदमी एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी मदद करें मित्रवत, तो फिर आप उसको बता सकते हैं। लेकिन मित्रवत है नहीं और वो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये करो ये करो ये करो, और वो उस आपको उस प्रकार से ले नहीं रहा है और आपको उस प्रकार से वो दी नहीं गई जिम्मेदारी, तो फिर वो मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा। विशेष रूप से यदि वो आपसे बड़े हैं तो विशेष रूप से मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा, आपका काम भी नहीं आपका आपकी जिम्मेदारी भी नहीं थी और वो और बड़े हैं। अगर छोटे हैं तो फिर भी चल सकता है, जैसे एक तरीके से जो बहुत नए आते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो भी वरिष्ठ हैं सबकी एक जिम्मेदारी है उनको प्रशिक्षित करना, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये अंडरस्टूड है कि जो वरिष्ठ हैं उस सभी को प्रशिक्षण देना है कुछ हद तक, तो उस दृष्टि से वो कर सकते हैं। कई भक्त कहते हैं कि ठीक है आप मर्यादा को बाहर के चलते हो, तो कहते हैं कि सिद्धांत में देखिए अभी कहाँ जहाँ पर अभी सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हैं तो हमें उसको टोकना पड़ेगा रोकना पड़ेगा हवा दिखानी पड़ेगी, तो फिर
कहाँ पर कहाँ हद तक मर्यादा पालन करनी चाहिए और कहाँ पर मतलब अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस सिद्धांत की रक्षा के लिए हमें कुछ एक स्टेप लेना पड़ता है, चाहे वो प्रार्थना भी हो सकती है, चाहे वो एवं फोर्स भी हो सकता है। जैसे गुरुरपि अविलप्तस्य, तो अगर गुरु कार्य कार्य अजानत है तो वो गुरु को भी छोड़ना। और महाराज उस दिन वो क्लास ले ना वहाँ पर, कि वो कह रहे हैं मैं कैसे इनको मारूंगा अपने गुरुजनों को, तो मारना भी आ सकता है। कहाँ गई मर्यादा? मर्यादा सामान्य मर्यादा है कि यस गुरुजनों को वाक, प्रभुपाद लिखते हैं उसमें दादा कि वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ तो जान से ही मारने की बात हो रही है, वाक युद्ध तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये शास्त्रों के सभी, उसको कौन कितना गहन है, कौन सा चीज़, कौन सा सिद्धांत कितना गहन है, क्या स्तर पर, उसके आधार पर ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कब क्या करना है, किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाए। फिर तो ये तो ऐसे सरल विषय नहीं है जिसको ऐसे बहुत सिचुएशन अलग अलग समय अलग पैदि होंगी। अंततः जो एक इसमें बात है बतियान साहब में बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त है वो कभी अपराध कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है वो परफेक्टली वैसे एक्ट करेगा भगवान की इच्छा के अनुसार, इसलिए वो अपराध कर ही नहीं सकता कभी। चेतना में मतलब क्या ऐसे हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम दोष की ओर ना जाए, जैसे शुद्ध भक्त होके एक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर देखें कि मर्यादा उल्लंघन किए बिना जहाँ तक काम चलता है पहले वो पूरी तरह से प्रयास होना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी और कोई चारा है नहीं गया है और फिर हम देख रहे हैं कि विषय गंभीर है, इससे दुष्परिणाम निकलने वाले हैं, गुरु कृष्ण अप्रसन्न होने वाले हैं, तो फिर उस प्रकार से भी काम होना चाहिए। लेकिन यथासंभव तो मर्यादा के अंदर ही रह कार्य करना चाहिए, तो विचार तो होना ही चाहिए कि मर्यादा है कि नहीं है। अगर हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो वो हमें विचार करके समझ करके फिर हम कर रहे हैं कि अभी और कोई उपाय नहीं रह गया इसलिए कर रहे हैं। पहले तो प्रयत्न करना चाहिए जब तक मतलब संभव हो तब तक मर्यादा का पालन तो करें ही करें। यस जब